इस वीडियो में बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट के बारे में और इसके शेयर प्राइस के चार्ट के बारे में, चार्ट पे किस क्या स्टॉप लॉस समझे, क्या मतलब आपको ये रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले यहाँ बात करें मिलियन में है तो टोटल इनकम जो मिलियन में है 10 से डिवाइड कर देना है तो 474 करोड़ का इनकम है जून क्वार्टर में। वहीं मार्च क्वार्टर में यह था 418 करोड़ का। तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज है। अब देखिए जून क्वार्टर 2020 पिछले साल के फाइनेंशियल से कंपेयर करें तो मात्र 246 करोड़ का था, तो ये तो डबल हो चुका है। यहाँ से अप्रॉक्स जो है 95% टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है एंजल ब्रोकिंग का। तो समझ सकते हैं कितना जबरदस्त ये बिजनेस है और कितना जबरदस्त रूप से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम आरओसी कैलकुलेट करते हैं। 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में मात्र था 64 करोड़ का। तो यहां से तो भी लगभग डबल हो चुका है, 98% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज हुआ है। अब बात करें पिछले क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर में मात्र था 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स था तो यहाँ से भी काफी जंप हुआ है, 220 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड या कहें प्रॉफिट फॉर नेट प्रॉफिट जो है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट जो है वह है 121 करोड़ का, और वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में मात्र था 47 करोड़। यहाँ तो 100% मतलब यहाँ 150% का लगभग जंप है नेट प्रॉफिट में। और बात करें मार्च क्वार्टर से तो मात्र था 101 करोड़, तो यहाँ से भी 20 करोड़ का जंप हुआ है नेट प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप हुआ है जो कि शेयर प्राइस में निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट होगा एंजल ब्रोकिंग में। एंजल ब्रोकिंग जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि ब्रोकर में जीरोधा तो लिस्टेड है ही नहीं, आप एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है क्योंकि जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स बढ़े हैं इस लॉकडाउन के कारण। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर देखिए 14.79 रुपये हो चुका है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और वहीं पिछले साल मात्र था 6.57 रुपये। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप, 100% से भी ज़्यादा का जंप, और पिछले क्वार्टर में था मार्च में 12.46 रुपये, यहाँ पे भी 2 रुपीज़ से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर में जंप। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन कर रही है। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड कीजिए, सिर्फ रिजल्ट देख के मैं बता रहा हूँ। अब चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं डिविडेंड का, तो 5.15 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड दिया है। फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपीज़ है, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है हर शेयर का, उस पे एक शेयर पे 5.15 रुपीज़ का शेयर, 100 शेयर है तो आपको 515 रुपीज़ जो है आपको डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। तो ये भी एक खुशखबरी है इस शेयर होल्डर के लिए। तो देखिए बात करते हैं चार्ट का, तो शेयर प्राइस का जो चार्ट है यहाँ पर करेंट प्राइस है 1060 रुपीज़, और यहाँ पर अगर कोई करेंट प्राइस में बाय करता है तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 990 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग अगर दे देता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पर 1124 रुपीज़, तो इसका टारगेट क्या होगा ये हम भी नहीं बता सकते क्योंकि रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है कि स्टॉक पे कोई बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। लेकिन बात करें मार्केट के एस्टिमेट का, बहुत सारे एक्सपर्ट एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना एस्टिमेट हो सकता है एस्टिमेटेड अर्निंग, लेकिन उस एस्टिमेट को अगर नहीं बीट किया होगा तो हो सकता है शेयर प्राइस में गिरावट भी देखने मिल सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंटम कर चुका है। तो हो सकता है जो एक्सपर्ट हो उसे पहले से पता हो कि एंजल ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़बरदस्त आने वाला है, इसके कारण ये पहले से शेयर प्राइस मूव कर चुका है और एस्टिमेट को अगर बीट नहीं कर पाया तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर प्राइस में ग्रोथ यहाँ पर आना चाहिए कुछ दिनों में, अभी टेम्प्रोरी बेसिस एक दो दिन में आपको नहीं देखने मिला लेकिन कुछ दिन में मिलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, निश्चित रूप से शेयर उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया, टारगेट इसमें कुछ भी मिल सकता है। देखिए पहला टारगेट आपको रखना है 1500, दूसरा 2000, 2000 बहुत ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल होगा, वहाँ पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई रखते हैं तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 750 रुपीज़, 750 के नीचे क्लोजिंग देता है तो अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, शेयर में गिरावट भी हो सकता है, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट उतना बेहतर ना आए,
तो सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।